हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारी आपकी रसोई से। मैं वंदना आज आपके साथ शेयर करूंगी सबकी फेवरेट गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन के लिए किसी सीजन, फेस्टिवल या ओकेजन की जरूरत नहीं होती। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वीडियो में बताई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप घर पर ही बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 किलो दूध से 14 से 15 गुलाब जामुन। तो जब भी गुलाब जामुन खाने का मन हो घर पे ही बनाएं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में आता हो। मैंने यहाँ ये फुल क्रीम दूध लिया है। बस थोड़ा सा ये फर्क होता है कि गाय का दूध पतला होता है जिससे खोया थोड़ा कम बनेगा, और भैंस का गाढ़ा जिससे खोया थोड़ा ज्यादा बनता है, तो गुलाब जामुन भी ज्यादा बनेंगे। अब इसे हम किसी भी चौड़े मुंह वाली कढ़ाई या पैन में ले लेंगे, क्योंकि दूध हमें गाढ़ा करना है तो इसलिए वो जल्दी से इवेपोरेट हो सके। कढ़ाई के किनारे पे चारों तरफ लगा देंगे हल्का सा घी ताकि दूध बॉईल होके बाहर ना गिरे। फ्लेम को रखेंगे हाई और इसे बस बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो इसमें मलाई बने वो इसी में वापस मिलती रहे। इसके लिए आप जब भी किचन में दूसरा काम कर रहे हो तो इसे गाढ़ा करने रख दें, बस बीच बीच में चला दें। कढ़ाई की साइड में जो दूध इस तरह से जमता रहता है इसे भी इस तरह से खुरच के बीच में डालते रहें। आप देख सकते हैं दूध काफी गाढ़ा हो गया है और काफी रिड्यूस भी हो गया है। इस स्टेज पर अब आप इसको हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहें, छोड़े नहीं। बस इसमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा, जल सकता है, इसलिए इसको लगातार चलाते रहें। देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। हमें बस इसी कंसिस्टेंसी का दूध चाहिए क्योंकि ठंडा होके भी ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ गया है। देखिए अभी काफी गाढ़ा हो गया है पहले से। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि खोया बिल्कुल ठंडा हो जाए। जितने खोया ठंडा हो रहा है इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। यहां मैं ले रही हूं 1.5 कप चीनी। जितनी चीनी ली है उतना ही पानी ले लेंगे, 1.5 कप। इसे एक दो बार चला देंगे ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। चीनी पूरी तरह से घुल गई है। अब इसे बस 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। हमें इसके लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस चाशनी में चीनी की चिपचिपाहट आ जानी चाहिए। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, कुछ इस तरह से इतनी ही पकानी है हमें। गैस ऑफ कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 10 से 12 केसर के स्ट्रैंड्स। इन्हें इसमें मिक्स कर देंगे और कवर करके अभी इसे एक तरफ रख देते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, मावा भी फ्रिज से निकाल लेते हैं। कभी भी गर्म मावे से गुलाब जामुन ना बनाएं, नहीं तो फ्राई करने पर वो फटने लगेंगे। अब इस मावे को किसी भी कटोरी या मेजरिंग कप किसी से भी नाप लेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा मिलाएंगे। देखिए ये हमारा 1 कप खोया बनके तैयार हुआ है। अब इसे किसी बड़ी थाली या फिर परात में निकाल लेंगे। इसी कप से मैंने खोया नापा था, अब इसका 1/4 हमें इसमें बाइंडिंग के लिए ये मैं मैदा ले रही हूँ। जितना हमारा खोया है उसका 1/4 हमें बाइंडिंग के लिए मैदा या गेहूं का आटा यूज करना है। इसका आधा एक बार में डालूंगी मैं इसमें और इसे खूब अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। बाकी का आधा भी डाल देती हूँ। अब इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हथेली की हेल्प से इसको खूब अच्छी तरह से मसलेंगे, जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। देखिए मसलते मसलते काफी स्मूथ हो गया है, प्लेट भी छोड़ने लगा है ये। अब मुझे इसे मसलते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। देखिए इसने हल्की हल्की चिकनाई भी छोड़ दी है। अगर कभी इस तरह से मसलते हुए आपको काफी हार्ड लगे ये, तो आप हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा सॉफ्ट हो रहा हो तो थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, इसके लिए हम एक इसकी छोटी सी लोई लेंगे, उसकी एक बॉल बनाएंगे, इसे तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई करने में ये फट नहीं रहा है, दैट मीन्स हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है।
इस तरह से पहले ही चेक कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आप एक साथ डाल देंगे और फिर वो सब फटने लग जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। इससे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपके बैटर में थोड़ी सी कमी है, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा या आटा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इनकी लोइयां बनाने के लिए इस तरह से इनको सिलिंड्रिकल शेप में बना लेंगे ताकि इनकी लोइयां काटनी इजी हो जाए और एक सी बने। अब इस तरह से बराबर के पीसेस काट लेंगे इसमें से। गुलाब जामुन का शेप और साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा बनाना चाहते हैं, चाहे तो आप राउंड बनाएं, चाहे तो आप सिलिंड्रिकल बनाएं। इतने डो में हमारे 16 गुलाब जामुन की लोइयां बनके तैयार हुई हैं, मीडियम साइज की। अब एक बार में फ्राई करने के लिए यहां मैं 6 लोइयां ले ले रही हूं, बाकी के लोइयों को ढक के रख देंगे ताकि वो सूखे नहीं। अब इन्हें अच्छी तरह दबाते हुए इनकी गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मसलते हुए बनाएं, एकदम स्मूथ बॉल्स होनी चाहिए। बॉल बनाते वक्त ध्यान रखें कि एकदम स्मूथ हो, इनमें कोई क्रैक्स ना हो। ये देखिए बॉल्स तैयार हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कढ़ाई छोटी और गहरी हो। अगर आप इस तरह से कोई फ्लैट कढ़ाई लेते हैं तो उसमें इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि तेल की क्वांटिटी सफिशियंट हो, ताकि फ्राई करते वक्त गुलाब जामुन 3/4 तक जरूर से डिप हो पाए। अगर तेल कम होगा तो गुलाब जामुन कढ़ाई की तली में जाके लगेंगे और फिर वो वहां से जलेंगे। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। अगर थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गुलाब जामुन की ऊपर की स्किन सिक जाएगी, पर वो अंदर से ठीक से नहीं सिक पाएंगे, क्योंकि खोया है बहुत जल्दी सिक जाता है। इन्हें फ्राई करने के लिए किसी सीक या सलाई से बहुत हल्के हल्के से इस तरह से हिलाएं। इन्हें कलछी से या किसी चीज से अभी पलटना नहीं है क्योंकि ये बहुत नाजुक हैं अभी, या फिर इस तरह से चम्मच से तेल हिला सकते हैं तो ये अपने आप हिलेंगे। चारों तरफ से इस तरह से ही हिला के इनको सेकेंगे। गुलाब जामुन अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, इन्हें अब निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अभी से ही गरम गुलाब जामुन को शुगर सिरप में डालेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे शुगर सिरप उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि आप इजीली इसमें अपनी फिंगर अगर डिप करें तो वो जले नहीं। शुगर सिरप ना बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना बहुत गर्म। ठंडा होने पर गुलाब जामुन चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और अगर गुलाब जामुन भी गर्म है और सिरप भी बहुत तेज गर्म है तो फिर वो उनके फटने का चांस रहता है। इसी तरह बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई हो तो आप कुछ देर के लिए गैस को ऑफ कर दें। गुलाब जामुन बढ़िया गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, तेल में से निकाल लेते हैं। इन्हें भी शुगर सिरप में डाल देते हैं। अब इन्हें कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन चाशनी सोक कर लें। तो लीजिए खाने के लिए तैयार हैं गुलाब जामुन। देखकर मन कर रहा है ना आपका भी गुलाब जामुन खाने का, तो बस आप भी फटाफट से घर पे बनाएं बिल्कुल हलवाई जैसे सॉफ्ट यमी और जूसी गुलाब जामुन। पर हाँ, कमेंट करके जरूर से बताएं ये आपको कैसे लगे। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।